Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैनूं ते तुहाडा फिकर है की पता है ओ मुंडा व्याह तो बाद किदां दा निकलूगा। सच्ची सवरीन जी तुहानूं कोई वधिया मुंडा मिल सकदा है? आ गया मुंडा। मुंडा महिंदर ही है जिस घर परिवार ने तेनू इज्जत दी तोतिया कारा कीता। जिहड़ी थाली च खाना ओदे च छेक कर दा तू। बल्ले जरावर जी कबड्डी कैप्टन ता अदाकारी दा भी कैप्टन निकलिया। राम नाल चोटिया किते गुस्से च कुछ कर ना देवी एनू, यही मेरी आखरी आस है। हुण लगता है गल बन गई साड़ी। ए तुसी की कह रहे हो जोरे भाई जी? जोरे वीरे एदे च महिंदर जी दी कोई गलती नहीं है, उन्हां नूं तां इस गल दा पता ही नहीं है। पर इहनूं इह तां पता सी ना कि तू व्याह लई मुंडा लभ रही, तां करके तैनूं मिठे मिठे गल्लां च फसा लिया। ते तूं ओए तूं सोच भी किवें लिया कि तू बाजवा परिवार दा हिस्सा बन सकदा? औकात की है तेरी? किथे तू ते किथे असे? लगदा तू अपनी औकात भुल गया, तेनू तेरी औकात याद करवानी है। जोरे वीरे साडे घर विच इदां दीआं गल्लां कदों तो होण लग पईआं ने। पापा जी ते चन्नी बुआ ने तां हमेशा सानू बंदे नूं ओहदे किरदार ते ओहदे कम्मां नाल जानना सिखाया। पैसिया औकात तो मिन्नी कदे सिखाई नहीं, ते ए ता ओ घर है जिथे चन्नी बुआ जी जिता मर्जी आए हुन, पर हुन ओ इस घर दे चिंद जान ने। तोरे पुत्र जी महिंदर जी नूं छड़ दो। सवरीन पुत्र जी तुहानूं नहीं लगता कि व्याह दा फैसला बहुत वड्डा ते अहम हुंदा? महिंदर जी नूं तां साडे घर दे विच आए हले बहुत थोड़ा जिहा टाइम होया। की गल सानवीदीप? सर तूं ना देखना, पता नहीं सिलेंडर ते गैस कितां खत्म हो गई है। फिर आपां दूजा सिलेंडर ला लैंदे आ। बाकी दे एक्स्ट्रा सिलेंडर भी खाली पए ने, ते ओ देखना किन्ने कस्टमर्स भी आ गए ने। ते तैनूं ते पता ही है मम्मी जी की कहंदे ने कि कोई भी गाहक ना भुखा नहीं जाना चाहिदा, क्योंकि गाहक ता भगवान दा रूप हुंदा है ना। इसे लई मैनूं हुण समझ नहीं आ रहा कि आपां की करिए हुण। ओ जी हुणे मैं भरिया सिलेंडर लैण आ। पर तू इन्ने शॉर्ट नोटिस च सिलेंडर लेके कितों आएगा? मेरा मतलब है कि ब्लैक लेके आएगा, पर ब्लैक च सिलेंडर लेना तो बहुत बड़ा क्राइम है अंडर सेक्शन 285। अब नहीं नहीं सरगुण जी, अब जो कुछ नहीं होगा। मेरा एक उत्थे दोस्त है तो कोई ना कोई हल ना कड ही लूगा। तेनू पक्का यकीन है कि तू सिलेंडर लेके आ जाएगा? सरगुण जी तुसी एक बार भरोसा करके तो देखो। ठीक है, सानवी दी पैसे दे। हाँ। सरगुण आले पैसे। ओ जी तेरी कोई लोड नहीं है, मैं कर लांगा। आपा बाद च वेख लांगे ना। ओहो जब तेरी नौकरी लग जाएगी ना तब खुशी खुशी सारे नु पार्टी दे देवी। फिलहाल लई आ पैसे फड़ लै। ठीक है फड़ा दो, मेनू पता है तुसी मन्ना ते है ही नहीं। सानवीदीप इन्नी छेती सिलेंडर किवें खत्म हो गया? थोड़े दिन पहला ही तो भरवाया सी। ओही तां नहीं मैनूं समझ आ रही, पता नहीं किवें खत्म हो गई।
पता नहीं उधर बाहर दे विच मम्मी जी कोलो की पूछा जा रहा होना। ओ हो जा स्टार्ट यार। अजकल सारे गलत मौके ते बंद क्यों जांदी है? चल पे यार। पेरेंट्स के सामने जाके सारी गल साफ करांगे। इस वेले उन्हां नाल गल करना बहुत जरूरी है साडा। मैं ते कस जा रहे हां ना मलहारियो, फिर तुसी क्यों नहीं सुनदे मेरी गल? जे सच्ची ओ सिमोन ही होई ना ते मैनू पता आ ओ अपने घर भी शांत नहीं बैठेगी, ते मैं नहीं चाहुंदी कि तुसी दोबारा ओहदे मुंह लगो ते गीत भाभी फिर किसी मुसीबत विच फसे। हां मलहार, तान्या बिलकुल सही कह रही है, ओहदी गल बिलकुल ठीक है। हां गीत, जे तेरा ये मुकाबला ना हुंदा तां तू भावें चले भी जांदी, असीं तैनूं नहीं सी रोकणा, पर हुण तेरा उत्थे जाना सही नहीं है। गीत, मैं तेरे लिए दवाई लेके आई हूं, ले लगा दा। चलो हुण तुसीं सारे जाने भी जाओ ते गीत भाभी नूं भी आराम करन दिओ। तान्या, एक बार फिर सोच ले, मेरे हिसाब नाल मैनू आप जाना चाहिए था उदे घर। हाँ जी गीत भाभी, पर सानू थोड़ी लोड़ है। वो सिमोन की सोच तो है ही छोटी, पर थोड़ी सोच तो उच्ची है ना। किन्नी बार तानू टोली दी कुड़ी कह के उन्हें नीवा दिखाने की कोशिश की है, उदे छोटे गए ना, तुसी छोटे नहीं हो जाना, इस करके तानू उस सिमोन के मुंह लगन की कोई लोड़ ही नहीं। चल ठीक है तान्या, मैं चल रहा तेरे नाल, गीत नूं इत्थे ही रहन दिंदे आ। नाले इस वेले गीत भाभी नूं थोड़ी लोड़ है, तुसी इन्हां दे कोल रहो, इन्हां दा ध्यान रखो, मैं ते आकाश चलदे हां। ठीक है, पर ध्यान नाल जायो। उस सिमोन तान्या मेहरा नूं चंगी तरह जानती है। गीत भाभी पिंड विचों आई है ना, इस करके गीत भाभी नाल पंगे लैंदी रहिंदी है। फिर मैं भी तां नाल आ तान्या दे। गीत, थोड़ी तरता ठीक है? हां जी, मैं बिल्कुल ठीक हां। पापा जी कित्थे ने? दिखदे नहीं पे। इहदे च गलती की है मालिक? तुसी हर महीने मैनूं तनखाह दिंदे हो। केड़ा पति अपनी पत्नी नूं हर महीने तनखाह दिंदा? फिर इस नाते तां तुसी मेरे मालिक ही होए। ते इस गल च भी कोई शक नहीं कि रिश्ते च मैं सहदेव जी दी भाभी हां। हुण तुसी इहदा मतलब इह ना कट लैणा कि मेरे दिल च कोई लालच आ गया या मैं थोड़ी पत्नी बनना चाहनी। नैना देवी, मेरी बस इन्नी मदद करो कि मैं सहज दीदी की इस चिट्ठी के नाल जैसमिन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत लिया के पूरे घरदियां दे सामने उसकी असलियत लिया सकां ते इस विआह नूं रोक सकां। तुलसी माते अगे दी रखानी आ।
मैनू लगता ना मैं इतने आके बहुत वड्डी गलती करती। जदों दा मैं इस घर च आया ना कुछ चल ही रहा है। हुण ते रमनीक ते भाभी भी चली गई, सारा काम मदना तेनू ही करना पैना। हाय ओए रब्बा, मैं की करना है जी इत्थे ते कर की रहे हैं। की होया चाचा जी, सवेरे सवेरे अपने नाल खिड़ी गल्लां कर रहे हो? ओ आजा पुत्तर, तू भी आजा। हुण अपने घर च कोई जनानी नहीं रही, सारा काम आपां दोनों नूं ही करना पैना है। हुण किसे नूं कुछ भी करन दी लोड़ नहीं। किसी नूं कुछ करन दी लोड़ नहीं, मैं इस प्रॉब्लम दा इलाज लभ लिया। ओ चाचा जी, तुसी केड़ा इलाज लभ लिया? हाय ऑल। ओ चाचा जी, तुसी इस कलेश नूं बुलाया काम करने वास्ते? मैं तेनूं पागल दिसदा? हां जी, किद्दां हो तुसी सारे? जिवें मर्जी होए, तू दस तेनूं की चाहिदा है? मैनूं की चाहिदा है? ए देखो मेरी कुड़ी रिया। हेलो बाऊजी। हेलो। खुश रहो। वैसे बाऊजी, पापा जी दस रहे सिगे कि तुसी कोई काम वाली लग रहे हो, की गल होगी? की गल होनी सी? असी नौकरानी नहीं रख सकते? नहीं नहीं, इन्ने सालों तो तुसी रखी नहीं, ओ हैगी सी ना अमृता। मेरा मतलब है कि अमृता सारे काम कर लेंदी सी ना, फिर हुण की लोड़ पैगी। वैसे ए अमृता है किथे, दिसी नहीं रही? बाहर गई है। तेनू काम है कोई? बाऊजी, अमृता नाश्ता ही नहीं बना के गई, ऐ किदा हो सकदा? नाले ओ रमनीक भी नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, हो जी कोई गल नहीं है कि मम्मा ते रमनीक अपने पेके गईयां ने। पेके? अमृता दे केड़े पेके? मैं ते आज तक कदी नहीं सुनिया कि वो कदी पेके गई होवे। क्यों क्यों, अमृता दे पेके हो नहीं सकदे? साडा सब तो पहला क्लू हैगा है अखियां बाजार टोटे। गाओ जी। अखियां जड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया न चंद्रा एक भी बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। चल कुड़िए नी चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब की बार, चल कुड़िए नी चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब की बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। क्या बात है, वाह। सो थोड़ी टीम नु मिलता है ये पॉइंट, और अगला क्लू हैगा है बहार प्यार जिंदगी। गाओ जी। आए ओ मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए ओ मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुहानू जांदा है ये पॉइंट, और अगला क्लू है गए खंड संदेशा तामा। गाओ जी। उड़ जा काले तामा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गईयां मिट्टियां मियां, ये छोटी सी जिंदगी से रातां लंबियां लंबियां, घर आजा परदेसी, तेरी मेरी इक जिंदड़ी, घर आजा परदेसी,
तेरी मेरी इक जिंदड़ी। क्या बात है, वाह। सो तुहानू मिलदा है 0.2:1 दा स्कोर चलदा पिया। अगला क्लू हैगा है लुक तड़के रुक 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 अरे बाबा रुक ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक दिल मेरा धड़के तेरे लिए दिल मेरा तड़पे तेरे लिए नशा तेरा बल्ला बल्ला नखरे तेरे लव 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 तुमसे लव हुआ। क्या बात है, वाह। सो एक पॉइंट और थोड़े वाल जाता है, 3:1 द स्कोर है। अगला क्लू है गया सीटी नखरे अख सीटी बजाए दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे है नाम तेरा पुकारे करके इशारे ओ लड़का आंख मारे ओ लड़का आंख मारे। शाबाश, वाह। तो तुहानू मिलता है पॉइंट और 3:2 दा स्कोर है। अगला क्लू है होश असर दिलबर गाओ जी दिलबर दिलबर हो दिलबर दिलबर होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर हो तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 हो दिलबर दिलबर। सो अखीरला गाना गा के तुसी पा लेने 3 points और 3:3 दे स्कोर दे नाल साडी अंताक्षरी हुंदी है टाई। सो इसे नाल साडा अज दा शो अपने अखीरले पड़ाव ते आ गया है। मैं गल कर रही हां साडी रीत दी। जी हां, प्लीज फुलकारी लिया दियो अज जी। थैंक यू संदीप, थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी एक बहुत खूबसूरत शख्सियत हो और परमात्मा करे कि हमेशा इसे तरह ही अपने फर्ज निभाते रहो अपने पेशे वजो भी। सो केहो जा रहा तुहाडे सारिआं दा अज दा दिन? अज दा दिन बहुत ही वधिया रहा। जो भी मैं चाहती सी अज मेरा पूरा होया। मेरा ड्रीम सी कि कभी भी मैं टीवी ते आवां सारी अपनी फैमिली दे नाल। अज मैं बहुत इंजॉय किया इन फन किया ते मैं अपनी बहुत सारिया मैमरीज सारे नाल शेयर कीतियां ते मैं बहुत खुश हाँ अज। थैंक यू। मेरी मम्मा की बदौलत नाल ही अज मैं टीवी ते पहुंच पाई हाँ। मम्मा ते पापा दा ही ड्रीम सी कि मैं टीवी ते आवां। क्या बात है, और सानू भी बहुत अच्छा लग्या तुसी सारे आए और अपा इन्ना सारा इंजॉय किया। परमात्मा करे कि हमेशा इस तरह ही चढ़दियां कला विच रहो एक दूसरे नाल कुल मिल के रल मिल के यह जीवन अगे व्यतीत करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लो जी मशरूम एओपी स्पैगेटी बहुत ही सोहने तरीके नाल देखो जी एक ब्लैक जे प्लेटर दे विच असीं प्लेट कीती है। थोड़ा इसते ना मैं लेमन स्प्रिंकल करना है ते लेमन दी जिहड़ी खटास हुंदी है ना इस च नैक्सट लैवल एक फ्लेवर लैके आंदी है जी। बहुत ही वधिया हल्का हल्का लेमन ड्रिजल करके इहनूं आपां गार्निश करांगे जी। ते गार्निश लई मेरे कोल पुदीने दे पत्ते है। लो जी सब तो पहली चीज पता है कि जिहड़ी गार्लिक दी मशरूम दी खुशबू आ रही है ना ओहो मैं क्या इन्ना मन कर रहा है इसनूं टेस्ट करन दा देख के रहा ही नहीं जा रहा जी। करदे आपां इसदी टेस्टिंग। बहुत ही वधिया पास्ता तैयार होया देखो किन्ना वधिया कलरफुल। वाह जी वाह बहुत ही सोहना इहदा कलर ते खुशबू मजेदार आई है जी। करदे आ जी इसनूं टेस्ट। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है जी स्वाद आ गया। जिहड़े 3 फ्लेवर है ना डोमिनेंट एलियो ओलियो पेपरोंचिनो मतलब कि लसन का वधिया स्वाद आ रहा है ओलिव ऑयल की हल्की हल्की क्रीमीनेस आ रही है विच ते नाल नाल चिली का फ्लेवर बहुत ही प्यारा आ रहा है ते बाकी जिहड़ी वेजिटेबल्स असीं ऐड कीती हैं उन्होंने इस पास्ते दे विच होर भी 4 चंद लगा दिते हैं। यह रेसिपी तुसीं जरूर ट्राई करो। नोट करो इसका क्विक रीकैप मशरूम एओपी स्पैगेटी बनाउण लई सब तो पहला पैन नू गर्म करके उहदे विच 2-3 चम्मच ओलिव ऑयल 2 चम्मच गार्लिक थोड़ी गाजर ते थोड़ी ब्रोकली ते मशरूम नू सौते कर लवांगे। इस दे विच 1/2 चम्मच नमक ऐड करके चंगी तरह भुन लवांगे। फिर इस दे विच 1/2 चम्मच लाल मिर्च 3-8 पीस रेड पेपरिका दे पा के इस विच पास्ता ऐड करांगे ते पास्ता ऐड करके उहदे उत्ते नमक ते काली मिर्च छिड़क के चंगी तरह मिक्स करांगे। हुण इस दे विच 1/2 चम्मच पुदीना ते 3-4 चम्मच धनिया ऐड करके चंगी तरह मिक्स कर लांगे ते लो जी तैयार है मशरूम एओपी स्पैगेटी। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਟੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਟੈਨਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਨੁਸਖਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੋਮਮੇਡ ਫੇਸ ਪੈਕ।
कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट या कोई भी कैमिकल यूज नहीं करांगे, घर च मिलने वाले इंग्रीडियंट्स तो फेस पैक बनावांगे जी। तो इसनू बनाना किस तरह, सब तो पहले असं यूज करांगे थोड़ा जिहा बेसन, मैं इत्थे 2-3 चम्मच बेसन ऐड कर रहा, इहदे विच पावांगे जी 1/2 चम्मच हल्दी का, इहदे विच 2-3 चम्मच असी गुलाब जल पावांगे, तो 1 नींबू नूं निचोड़ लवांगे। इहनूं चंगी तरह आपां मिक्स करना जी। तो जिहड़ा इह पेस्ट बनिया इहनूं तुसीं अपलाई कर सकदे हो जिथे भी थोड़ा टैनिंग का इशू हो रहा है। तुसीं फेस ते अपलाई कर सकदे हो, अपनियां बाहवां ते अपलाई कर सकदे हो, गोडियां ते अपलाई कर सकदे हो। चंगी तरह इसनूं अपलाई करके 15-20 मिनट लई उत्थे रहण दो, उस तो बाद उसनूं वॉश कर लो। बहुत ही वधिया नैचुरल ग्लो आएगा ते टैनिंग दी प्रॉब्लम जिहड़ी है खत्म हो जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपीसोड बिल्कुल फ्री।